हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है Xiaomi ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ Xiaomi की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है Xiaomi 11 Lite NE 5G। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है Xiaomi 11 Lite NE 5G, ओके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Xiaomi 11 Lite NE 5G को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक तरीका। अब मैं सिंपल दोस्तों यहां से स्वाइप करता हूं और आप देख सकते हैं ड्रा पैटर्न, डिवाइस हमारी पैटर्न लॉक है। तो दोस्तों अगर आप Xiaomi 11 Lite NE 5G यूज कर रहे हैं और आपके डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, जैसे कि पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके Xiaomi 11 Lite NE 5G में लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Xiaomi 11 Lite NE 5G को अनलॉक कर सकते हैं, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है। अब दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको तीन बटन्स देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलती है, ओके। अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले वो मेथड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ओके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ करना होगा और जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाए तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। आपको सिंपली करना ये है दोस्तों कि वॉल्यूम अप और पावर बटन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वॉल्यूम अप और पावर बटन, आप इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे नियर अबाउट 5 सेकेंड तक, ओके। 5 सेकेंड बाद आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपके डिस्प्ले पे मी का लोगो दिखेगा। जैसे ही आपकी डिवाइस ऑन होगी और मी का लोगो दिखेगा, आप इन दोनों बटन से अपनी फिंगर तुरंत हटा लेंगे, ओके। और कुछ सेकेंड वेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE 5G पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी, ओके। मुझे उम्मीद है मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है, ओके। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको सबसे पहले डिवाइस को पावर ऑफ करना है, तो आप सिंपल यहां पावर बटन को प्रेस करें और डिवाइस को पहले पूरी तरह से पावर ऑफ कर लें। तो मैं सिंपल यहां से डिवाइस को पावर ऑफ कर लेता हूं, ओके। डिवाइस हमारी पावर ऑफ हो गई और अब इधर आते हैं डिवाइस के राइट साइड में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है नियर अबाउट 5 सेकेंड तक। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रहा वॉल्यूम अप और पावर बटन। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ। 5 सेकेंड तक वेट करिए, आपकी डिवाइस ऑन होगी और मी का लोगो दिखेगा। ये देखिए लोगो दिखा, इन दोनों बटन से हम अपनी फिंगर हटा लेंगे और कुछ सेकेंड वेट करिए तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE 5G पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE 5G पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो गई, ओके। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिखा है मेन मेन्यू MIUI रिकवरी 5.0, ओके। और रिकवरी के ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके। अब दोस्तों हमें यहाँ डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमें सिंपली जाना होगा सेकंड वाले ऑप्शन पे, यानी कि वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। ये देखिए दोस्तों, हमने वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस किया और हम आ गए वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे, ओके। वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको ओके करना होता है, तो ओके करने के लिए आप सिंपल यहाँ पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो चलिए मैं सिंपल यहाँ पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूँ। अब ये देखे दोस्तों, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ लिखा वाइप डेटा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बैक टू मेन मेन्यू और वाइप ऑल डेटा। आपको करना क्या दोस्तों, आपको जाना है बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि वाइप ऑल डेटा पे। बहुत आसान है, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि वाइप ऑल डेटा पे, ओके। वाइप ऑल डेटा पे आने के बाद आपको फिर से ओके करना है और ओके करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पावर बटन को प्रेस करना है, तो हम सिंपल यहाँ पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, पावर बटन को मैंने प्रेस किया तो ऊपर की तरफ देखिए रेड कलर का एक मैसेज आ जाता है। मैसेज ये है दोस्तों, कन्फर्म वाइप ऑफ ऑल डेटा और नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैंसल और कन्फर्म। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको फिर से जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि कन्फर्म पे।
बहुत आसान है, आप सिंपल वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे कंफर्म वाले ऑप्शन पे। ओके, कंफर्म पे आने के बाद आपको ओके करना है क्योंकि आपको डिवाइस को अनलॉक करना है, तो ओके करने के लिए आप सिंपल यहाँ पावर बटन को प्रेस करेंगे। लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप यहाँ कंफर्म पे आने के बाद ओके करने के लिए जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपके डिवाइस का अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी डिवाइस अनलॉक भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपके डिवाइस में जो भी डेटा है, जैसे कि आपका म्यूजिक, कॉन्टेक्ट, इमेज या वीडियोस, आपके डिवाइस में जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिवाइस आपकी अनलॉक हो जाएगी और डेटा बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता। ओके, तो चूंकि दोस्तों हमें डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमें सिंपली यहाँ पे ओके करना होगा। और ओके करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको पावर बटन को प्रेस करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पावर बटन को प्रेस करता हूँ। और ये देखिए, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो आपने देखा यहाँ पे प्रोसेस हुआ, बहुत फास्ट हुआ। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके डिवाइस में डेटा कितना है। अगर आपके डिवाइस में डेटा ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो होगा, अगर आपके डिवाइस में डेटा कम है तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। आपने देखा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको ये मैसेज आ जाएगा, ऊपर की तरफ लिख के आएगा डेटा वाइप सक्सेसफुली ग्रीन कलर का। ओके, और नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैक टू मेन मेन्यू, यानी कि अब आपके डिवाइस का वाइप डेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब आप मेन मेन्यू में बैक जाइए। तो मेन मेन्यू में बैक जाने के लिए आप सिंपल यहाँ पावर बटन को प्रेस करेंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेन मेन्यू में हम बैक आ चुके हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ हमारे डिवाइस का वाइप डेटा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डिवाइस हमारी अनलॉक हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, डिवाइस को यहाँ रिबूट करना है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं रिबूट का ऑप्शन है, तो डिवाइस को रिबूट करने के लिए आपको पावर बटन को लगातार दो बार प्रेस करना होगा। ओके, तो चलिए मैं पावर बटन को दो बार प्रेस करूंगा। पहले मैं एक बार प्रेस करता हूं, यहां देखिए रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन आ गया, एक बार और पावर बटन को प्रेस करेंगे। और अब देखेंगे दोस्तों आप, यहाँ आपकी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE5G पूरी तरह से रिबूट हो जाएगी, यानी कि रिस्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस हमारी रिबूट हो गई, और अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए, चालू होने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी, चालू होगी, तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा और आपकी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE5G पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया Xiaomi 11 Lite NE5G को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Xiaomi 11 Lite NE5G को अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ ही मिनट वेट किया और फाइनली हमारी डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई। और दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आपकी डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव होगी तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है। ओके, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल एंड्रॉयड सेटअप करना है। तो चलिए एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेटअप करने के लिए सिंपल आप इस एरो पे क्लिक करें। ओके, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। वंस अगेन आप यहाँ से नेक्स्ट करें, सेटिंग रीजन, तो यहाँ कुछ सेकंड आप वेट करें। ओके, उसके बाद यहाँ आपको एक बॉक्स मिलेगा, तो आपको इस बॉक्स को चेक करना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करिए। यहाँ देखिए स्किप दिस स्टेप का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। ओके, यहाँ से इस ऑप्शन को आपको फाइनली स्किप करना है। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए मोर का ऑप्शन है, तो आप मोर पे क्लिक करें, यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। जस्ट अ सेकेंड, कुछ सेकेंड वेट करें। और ये देखिए सेट पासवर्ड, यहाँ से आप चाहें तो अपने डिवाइस में फिंगर, फेस, पैटर्न, पिन या पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को भी स्किप करूंगा। यहाँ स्किप का ऑप्शन है, मैं सिंपल स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। एग्री, डोंट एग्री, आप एग्री पे क्लिक करें। ओके, यहाँ से आप नेक्स्ट करें। और ये देखिए फाइनली सेटअप कम्प्लीट, यू आर रेडी टू रॉक। आप सिंपल यहाँ एरो देख रहे हैं, आप सिंपल इस एरो पे क्लिक कर दें। और यहाँ देखिए लोडिंग ऐप्स, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐप्स होते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे लोड होने में कुछ सेकंड और टाइम लगेगा,
और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ये लोडिंग एप्स कंप्लीट होगा, आपकी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE 5G पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी। कुछ सेकंड आप यहां वेट करें और ये देखें दोस्तों, फाइनली कुछ सेकंड वेट करने के बाद डिवाइस हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो गई। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है। हमारी डिवाइस Xiaomi 11 Lite NE 5G पूरी तरह से अनलॉक हो गई, पूरी तरह से एक्टिव हो गई, ये देखिए। ओके दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।